एक इट आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह योर बायोलॉजी एंड आई एम बैक विद अनदर सेशन जिसमें हम 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर खत्म करने वाले हैं टूडे चैप्टर इज एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू से आपके तीन क्वेश्चन तक आ जाते हैं एंड आई एम श्योर कि इस सेशन के बाद आपको एनिमल टिश्यू का ऐसा रिवीजन होगा कि आपके इससे नंबर नहीं कटने वाले हैं सेशन को बहुत सारा प्यार देना लाइक like करना शेयर करना क्योंकि मेरी बहुत मेहनत मेरी एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है बच्चों इन सेशंस को बनाने के लिए आई होप यू एक्नॉलेज दैट बस तुम्हारा साथ तुम्हारा प्यार तुम्हारा सपोर्ट चाहिए बाकी तो एवरी इज पॉसिबल है ना राइट नाउ ऑल्सो माई हेड इज़ लाइक स्पिनिंग इतना बहुत चार घंटे तक पढ़ाया है उसके बाद मेरा सर बिल्कुल घूम चुका है बट आई थॉट कि नहीं ये तो करना पड़ेगा इसके बिना काम नहीं चलेगा ना अपना ओके okay बच्चे एंड देन आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि हमारे टू थर्टी पी एम पर क्लासेस चल रही हैं बच्चे जहाँ पे मैं आपको बायो का डिटेल में पूरा मस्त रिविजन करवा रही हूँ ये वाली सीरीज तो चली रही है लेकिन वहाँ पर भी अपना रिविजन हो रहा है वहाँ एक एक यूनिट हम खत्म कर रहे हैं डू जॉइन दो सेशन ऑल्सो चलो शुरू करते हैं सो एनिमल टिश्यू की अगर बात करें तो टिश्यू आपका चार तरह का है एपिथेलियल है मस्कुलर है कनेक्टिव है एंड न्यूरल है

सिंगल लेयर भी हो सकता है मल्टीपल लेयर भी हो सकता है अब देखो सिंगल लेयर है अगर तो इसका काम क्या होगा ये सिर्फ पिचका हुआ सा होता है पतला सा पतली सी लेयर बन जाती है इसका काम क्या होगा डिफ्यूजन करने में हेल्प करेगा सिक्रीशन में हेल्प करेगा अगर मल्टीपल लेयर है बहुत सारी लेयर बन गई तो ऑब्वियसली क्या करेगा प्रोटेक्शन करेगा इसका काम होगा प्रोटेक्शन करना बच्चे नॉन वेस्कुलर होता है और इसके अंदर होती है रिमार्केबल रीजनरेशन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्ड मैनी टाइम मैनी टाइम ठीक है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इफ आई लुक एट द स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने खुद से ही ये डायग्राम बनाया है देखिए बच्चे दिस इज द आपका एपिथेलियल टिश्यू ठीक है नीचे इसके आपको मिलेगी बेजल लैमिला विच इज सिक्रेट बाय दिस टिश्यू ओनली देन बच्चे यू हैव द कनेक्टेड टिश्यू विच इज गोइंग टू सिक्रीट द फाइब्रस लैमिना ये दोनों मिलकर बनाते हैं बच्चे बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज़ नॉन लिविंग एंड नॉन सेलुलर ठीक है नॉन लिविंग एंड नॉन सेलुलर प्लीज़ ये याद रखना है ओके okay? एंड ये ये जो नोट्स है ना बच्चे ये दीज ऑसम नोट्स दीज ऑसम वन पेज एक पेज पे, पे आपका पूरा एनिमल टिश्यू खत्म है ये आपको मिल जाएंगे डॉक्टर गार्गी सिंह टेलीग्राम पे वहाँ पे आपको और भी मेरे बाकी चैप्टर्स के इसी तरह के नोट्स बच्चे अवेलेबल हैं तो अगर मैं बात करूपिलियर टिश्यू की इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू थ्री टाइप्स एक होगा सिंपल जिसमें सिंगल लेयर होगा एक होगा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे लेयर होंगे है ना नाम से ही पता चल रहा है हमें एक होगा बच्चे ग्लैंडुलर तो हम क्या करते हैं पहले ग्लैंडुलर को ही खत्म कर लेते हैं ठीक है ग्लैंडुलर आपका यूनिसेलुलर हो सकता है एक सेल हो अगर या फिर मल्टी सेलुलर हो सकता है ग्लैंडुलर नाम सुन के पता चल रहा है ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा है ना इट इज गोइंग टू सिक्रीट समथिंग अब जैसे कि आपके गॉबलेट सेल्स हैं पेट में होते हैं ना स्टमक में होते हैं गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करते हैं है ना एंड बच्चे आपका मल्टी सेलुलर हो सकता है आपका सेलाइवरी ग्लैंड बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन वी आर कंसर्न अबाउट द एक्स विच आर गिवन इन एनसीआर टी ठीक है जी ये देखो ये रहे बच्चे आपका गॉबलेट सेल सिंगल सेल है एंड देन वी आल्सो हैव एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन कौन से होते हैं जो बच्चे डक्टलेस होते हैं जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में सिक्रिएट कर रहे हैं हॉर्मोन्स बना रहे हैं बेसिकली एक्जोक्राइम वो हैं जो कि आपको ज्यादातर डाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं है ना जिनका बच्चे डक्ट होता है एंड दे आर गोइंग टू सिक्रीट वैक्स डाइजेस्टिव जूसेस ये सब है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंस नाउ मूविंग ऑन टू द फर्दर क्लासिफिकेशन इसके लिए मेरे पास बहुत बढ़िया टेबल है ये टेबल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी तो मैंने सारा एक टेबल के फॉर्म में लिख लिया है अब पहला है यहाँ पे स्क्मस स्क्स क्या है इसको पिचका दिया है, ठीक है पिचका दिया तो इसके सेल कैसे हैं फ्लैट हैं इरेगुलर बाउंड्रीज हैं इसको हम पेवमेंट या फिर टेसेलेटेड एपिथिलियम भी बोल देते हैं इसके सेल्स तुम्हें दिख रहे हैं जो सेल्स हैं उसका जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल है है ना और इसको क्योंकि ये बहुत ही पतला सा लेयर बन जाता है तो दैट इज़ वाई इट इज़ यूज एज अ डिफ्यूजन बाउंड्री। कहाँ मिलेगा एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स ओके अब आ जाओ तुम सेकेंड पे विच इज विच इज क्यूबॉइडल क्यूब लाइक आपके सेल्स बन गए क्यूब बन गए तो सेल्स थोड़े से बड़े हो गए हैं क्यों बड़े हो गए मे बी ये सेल्स कुछ बनाएंगे सिक्रीट करेंगे या फिर किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन करेंगे देखो हर एक चीज़ का लॉजिक होता है तो थोड़े से बड़े हो गए जैसे कि आपका जो पी है वहाँ पर कुछ एक अलग तरह का मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलता है वहाँ पर हमारे ब्रश बॉर्डर्ड आपके सेल्स बन जाते हैं क्यूबॉर्डल सेल्स बन जाते हैं क्योंकि वहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है री एब्सॉर्प्शन होता है इफ़ यू रिमेंबर तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है दिख रहा है ना सेंट्रल है है ना एंड इनका काम क्या है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन सेल बड़े हो गए तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इसका एग्जाम्पल क्या है पीसीटी में मिलेगा ठीक है डीसी टी में मिलेगा लेकिन यहाँ पे ब्रश बॉर्डर नहीं मिलता डीसी टी में एंड ऑल्सो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में आपको इसी तरह का एपिथिलियम मिलता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज कॉल्यूनर कॉल्यूम मतलब जो आपके सेल्स और भी बड़े हो गए टॉल हो गए हैं ठीक है तो दे आर टॉल एंड एंड सिलेंडर द न्यूक्लियस का अगर तुम पोजीशन देखोगे ना बिल्कुल बेस पे आ तो it is basil, it is पे आ तो इट इट इज इज बेसल बेसल भी एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है इन केस ऑफ इंटेस्टाइन यहाँ पे इंटेस्टाइन के, के केस में आपको मिलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड क्योंकि वहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है तो क्योंकि सेल्स यहाँ पे भी आपके बड़े हो गए हैं तो इसलिए हम बोलेंगे कि सिक्रेशन करेंगे और एब्जॉर्प्शन करेंगे कहाँ मिलेंगे स्टमक में मिलेंगे इंटेस्टाइन में मिलेंगे और ब्रश बॉर्डर कहाँ मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट वी हैव सिलिटेड आई मूव हियर। नेक्स्ट वी हैव सिलियेटेड सिलियेटेड आपके कॉलिमनर भी हो सकते हैं क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं ठीक है कहाँ मिलते हैं ब्रोंकियोल्स एंड फिलोपियन ट्यूब में मिलेंगे इनका जो न्यूक्लियस uh, है वो बेजल भी हो सकता है और सेंट्रल भी हो सकता है दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जैसे कि अगर मैं फिलोपियन ट्यूब की बात करूँ तो वहां पर ओवम को मूव करना और अगर मैं ब्रोंकिस uh, की बात करूँ तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स को मूव करना इनका काम है ओके सो दिस वॉज अबाउट योर सिंपल uh, या फिर सिंगल लेयर एपिथीलियल टिश्यू नाउ मूविंग ऑन टू द कंपाउंड वन अब कंपाउंड की बात करते हैं अच्छा बीच में एक और चीज़ बताती हूँ कि आपको कभी कभी जो आपका एपिथीलियल uh, होता है वो स्यूरो स्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है मतलब यहाँ पे लेयर तो एक ही है बट ऐसा लगता है कि बहुत सारे लेयर हैं ऐसा लगता है स्ट्रेटिफाइड है बट दिस इज वन लेयर आपको दिख रहा होगा ना इधर देखो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लेयर्स हैं पर एक ही लेयर होता है क्योंकि सेल्स थोड़ा उल्टा सीधा अरेंज है ना ऊपर नीचे थोड़ा सा हाइट सेम नहीं है सबकी तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लेयर्स बन गए हैं दिस इज प्रेजेंट इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ठीक है नेक्स्ट इज कंपाउंड एपिथीलियम अब कंपाउंड एपीथिलियम की बात करें तो कंपाउंड एपिथिलियम होता है तुम्हारा मल्टीलेयर्ड है मोस्टली इसका काम क्या है प्रोटेक्शन का ठीक है चलो अब मल्टीलेयर्ड है तो उसमें स्ट्रेटिफाइड होगा स्टेडिफाइड मतलब मल्टीलेयर है इसमें आ जाएगा आपका कैराटिनाइज या फिर नॉन केराटनाइज कराटिनाइज मुझे स्किन में मिलेगा कभी कभी देखे ना यहाँ पे थोड़ा सा अपनी स्किन थोड़ी हार्ड हो जाती है वो क्यों है बिकॉज दिस इज keratinized. ओके okay. नॉन keratinized आपको मिलेगा बकल कैविटी फैरिंग्स लाइनिंग ऑफ द डाइव्रिक लाइन एंड पैंक्रियाज दीज आर द इंपॉर्टेंट एक्जाम्पल सीधा क्वेश्चन पूछा जाता था इस चैप्टर से कोई घुमा फिराक के क्वेश्चन नहीं आता सीधा क्वेश्चन आता है सी डायरेक्ट देन यू हैवि ट्रांजिशनल विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथीलियम ये कहाँ मिलेगा ट्रांजिशनल कहाँ मिलेगा कहाँ पे स्ट्रेच हो जाता था तुम्हारा जो ऑर्गन था जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो जाता है इसको यूरोथीलियम भी बोलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है अब अगर हम बात करें सेल जंक्शन की लेट्स टॉक अबाउट द सेल जंक्शन सेल जंक्शन आपके टाइट जंक्शन हो सकते हैं नाम से ही पता चल रहा है टाइट जंक्शन है तो चीज को होल्ड करके रखेंगे लीकेज को प्रिवेंट करेंगे एडियरिंग है एडियरिंग जंक्शन है तो मतलब जोड़ के रखेंगे किसी चीज को इनका क्या होता है सीमेंटिंग इफेक्ट है दो सेल्स को जो आपस के नेबरिंग सेल्स हैं उनको जोड़ के रखना देन यू हैव गैप जंक्शन इनका क्या काम है जो नेबरिंग सेल्स हैं एडजस्टेंट सेल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखना कोई भी आयन्स है कोई भी मॉलिक्यूल है उनका आदान प्रदान करते रहना देन नेक्स्ट वी हैव द ओके यस नेक्स्ट वी हैव द मस्कुलर टिश्यू उसका भी बहुत अच्छा मैंने टेबल बनाया हुआ है

ओके okay, अगर मैं बात करूं स्मूथ मसल्स की या फिर विसरल मसल फाइबर्स की ये कैसे हैं स्पिंडल शेप्ड हैं दिख रहे हैं मुझे डायग्राम में दे शेप्ड फ्यूजी फॉर्म है एक ही न्यूक्लियस है दे हैव वन न्यूक्लियस सेंट्रल न्यूक्लियस है ब्रांचिंग यहां है क्या यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है स्ट्राइशन है क्या नहीं है दीज आर स्मूद मसल्स क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइशन नहीं होते देन जंक्शन यहाँ है यहाँ पे जंक्शन होते हैं एंड कहाँ मिलेंगे ये मुझे ब्लड वेसल्स में स्टमक में इंटेस्टाइन में यही मिलते हैं बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल मैं मैं ये तो नहीं कर सकती कि मैं अपने पेट को बोलूँगी चलो आज बहुत सारा मूवमेंट करो मेरे विल के अंडर नहीं है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कार्डियक मसल्स कार्डियक मसल्स कार्डिक मसल्स कैसे हैं कार्डिक मसल में बहुत क्लियरली तुम्हें ब्रांचिंग दिख रही है देखो दिख रही है ब्रांचिंग ये दिख रही है ब्रांचिंग तो यहाँ पे ब्रांचिंग तो होगी और पे मुझे स्ट्राइशन भी दिख रही है फेंट फेंट सी स्ट्राइशन दिख रही है है आई कैन कि मोस्टली जो न्यूक्लियस वो जो सेल है वो यूनि uh, न्यूक्लेटेड uh, है, uh, है ठीक है ना और एक सेल जब दूसरे सेल के साथ जुड़ रहा है तो वो इंटरकैलेटेड डिस्क बना रहा है इट इज बिकॉज ऑफ दीज डिस्क कि ये वाली जो अपनी जो हार्ट की मसल्स होती है ना वो उनको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए क्योंकि कंटिन्यूसली बीट कर रहा है तो दे बीट एज यूनिट तो उनको स्ट्रेंथ मिलती है एंड दे बीट एज अ यूनिट तो यहाँ पे स्टारेशंस है ब्रांचिंग है ठीक है अंडर योर कंट्रोल नहीं है बिल्कुल नहीं है तुम अपने दिल को तेज तेज नहीं धड़का सकते अपनी मर्जी से जंक्शन बिल्कुल हैं कहाँ मिलेंगे हार्ट में मिलेंगे सो वी आर डन विद दिस टिश्यू ऑल्सो ना मूविंग ऑट टूट द न्यूरल टिश्यू न्यूरल टिश्यू में दो तरह के न्यूर है न्यूरोग्लिया सेल्स यही वाले सेल्स आपके जो है दीज आर लाइक सपोर्टिंग सेल्स इसके बिना न्यूरल सिस्टम काम नहीं कर सकता ये आपके मोर देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू होते हैं आपके न्यूरोग्लिया सेल्स एक बार देख लेते हैं कि न्यूरोन्स भी देखेंगे न्यूरोग्लिया सेल्स पहले एक बार देख लेते हैं इसमें आते हैं आपके श्वान सेल्स ठीक है श्वान सेल्स एंड ऑलिकोडेंड्रोसाइट्स श्वान सेल्स

बॉडी का तो उसके पास अगर कोई इंफेक्शन कॉज करने वाला पैथोजन चला गया उसको भी आपको टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए दैट इज माइक्रोब्लियर सेल्स ये क्या है मैक्रोफेजेस हैं ओके एंड देन यू हैव एपिडिडाइमल सेल्स ये क्या करते हैं आपका जो ब्रेन है ब्रेन के अंदर देर आर वेंटिकल्स कुछ स्पेसिस होते हैं विच आर फिल्ड विथ सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड ओके अच्छा ये किस चीज में काम आता है वो शॉक एब्जॉर्बर होता है नरिशमेंट देता है ये वाले सेल्स आपके यही फ्लूड को बनाते हैं तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब पूरा का पूरा न्यूरल सिस्टम तो एक्टोडर्मल है ओरिजिन में लेकिन सिर्फ एक सेल विच इज माइक्रोग सेल्स वो मीजोडर्मल है ऑरिजन में ये याद रखना नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर न्यूरॉन तो इसको हम डिटेल में वैसे तो न्यूरल uh, सिस्टम में करते हैं बट यहां पे मैं आपको बता देती हूँ ये है आपका एक न्यूरॉन जिसमें कि आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना दिस दिस पार्ट इज अ सेल बॉडी जिसको हम पेरी या साइटोन भी बोल देते हैं अब यहां से तुम्हें कुछ प्रोसेसिस निकलते हुए दिख रहे हैं दीज प्रोसेज आर डोन एज डेंड्राइट यही रिसीव करते हैं स्टिमुलस को ठीक है किसी ने तुम्हें टच करा तुमने तुम्हें कोई खुशबू आई तो ये सारा स्टिमुलस कौन दे रहा है यही ले रहे हैं अब यहाँ पे तुम्हें कुछ कुछ ये फाइबर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे से ग्रेन्यूल दिख रहे हैं दीज द निस्सेल्स ग्रेन्यूल ये क्या है ये आर ई आर के फ्रेगमेंट्स हैं तो प्रोटीन बनाने में काम कर रहे होंगे अच्छा देन इफ आई टॉक अबाउट दिस लॉन्ग पार्ट दिस इज द एग्जॉन ये क्या है ये है एग्जॉन एग्जॉन के आसपास तुम्हें तो दिख रहा होगा कि श्वान सेल्स हैं विच आर गोइंग टू हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीत जो कि इंसुलेशन का काम करती है जिसकी वजह से जिसकी वजह से और जहां जहां माइलिन शीत नहीं होती ना दो श्वान सेल माइलिन शीत बना रहे हैं तो बीच में थोड़ा गैप है से आपका जंप करके जल्दी जल्दी पहुंच सकता है अगर मैं टर्मिनल पार्ट में देखू तो वी हैव द एगोन टर्मिनल एंड यहां पर है आपका सिनेप्टिक नॉब जिसके अंदर भरे होते हैं वेसिकल जिसके अंदर भरा हुआ है न्यूरो ट्रांसमीटर ओके सो दिस वॉज अबाउट द न्यूर टिश्यू मूविंग ऑन टू द कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें होती है एक होता है मेट्रिक्स जो कि भरा हुआ है हाई एल्यूरो से विच इज म्यूकोपोलीसे और इसके पास होंगे फाइब्रोब्लास्ट होंगे, होंगे जो जिसका काम है सॉरी फाइबर्स बनाना माइक्रोफेजेस होंगे तुम्हें पता है माइक्रोफेजेस का क्या काम है एनगल्फ कर लेंगे Edipocytes होंगे इनका क्या काम है तुम्हें यह भी पता है दे आर गोइंग टू स्टोर फैट अच्छा जो फाइबर्स है तीन तरह के आपको मिल सकते हैं कोलेजन इलास्टिंग एंड रेचिक्यूलेट ठीक है जी चलो अब अगर मैं बात करूँ लूज कनेक्टिव टिश्यू की अलग अलग तरह का होगा तो पहला हम करने वाले हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू वन इज योर एरियोलर टिश्यू एरियोरल टिश्यू के बारे में या लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक बात याद रखनी है कि दोनों के दोनों चाहे एडिपोज हो चाहे एरियोलर हो दोनों के दोनों द स्किन होते हैं न के नीचे ही मिलेंगे दोनों के दोनों अब एरियोलर की बात करें तो यहाँ पे आपके फाइब्रोब्लास्ट आ गए मैक्रोफेजेस आ गए मैस्ट सेल्स आ गए मैस्ट सेल क्या से करेंगे सेरोटोनिन हिस्टामिन हेपरिन अगर कोई एलर्जी हो जाती है तो एंड दीज आर ऑल्सो द वन विच आर गोइंग टू सपोर्ट द एपिथीलियर टिश्यू यही है जो एपिथीलियर टिश्यू को भी सपोर्ट करते हैं ये क्वेश्चन भी आ चुका है अगर मैं एडिपोज टिश्यू की बात करूँ तो यहाँ पे एडिपोसाइट्स मिलेंगे मुझे जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको स्टोर कर लेंगे नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये रेगुलर हो सकता है जब आपका जो सेल्स हैं वो सारे बड़े अलाइंड वे से अरेंज है तो रेगुलर हो गया इ सब कुछ ऐसे ही बस अरेंज है बिखरा हुआ है तो वो हो जाएगा स्किन के अंदर एंड रेगुलर का लोकेशन का है फॉर एग्जाम्पल योर टेंडेंस ठीक है टेंडेंस किसको ज्वाइन करते हैं मसल को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल इज योर लिगामेंट्स ये किसको ज्वाइन करते हैं बोन को बोन से ज्वाइन करते हैं अगर हम बात करें अब कुछ स्पेशल टिश्यूज़ की तो हमारे पास है कार्टिलेज बोन एंड वी ऑल्सो हैव ब्लड जिसको हम डिस्कस करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ सो कार्टिलेज एंड बोन्स को अगर मैं देखूँ तो कार्टिलेज का जो मेट्रिक्स है दैट इज़ यू नो सॉलिड तो है लेकिन प्लाइएबल है सी दिस इज अ कार्टिलेज मैं इसको प्रेस कर सकती हूँ ये इसको थोड़ा सा मूव कर सकती हूँ लेकिन जो बोन्स होते हैं उनका जो मेट्रिक्स है दैट इज हार्ड एंड इट इज नॉन प्लाइएबल यहाँ पे बहुत ज्यादा डेपोजिशन हो चुका है कैल्शियम फॉस्फेट का मैक्सिमम आपको मिलता है अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देयर इज लेकिन वॉट इज लेकिन लेकिन इज द स्पेस जिसके अंदर जो कार्टिलेज है उसके सेल्स हैं उसके सेल्स मतलब कॉन्ड्रोसाइट्स हैं तो एक लिक्यूना में यू हैव टू कॉन्ड्रोसाइट्स इन केस ऑफ कार्टिलेज जो कि क्या सिक्रिएट करते हैं प्रोटीन कोंड्रिन को सिक्रिएट करते हैं कहाँ मिलेगा मुझे कार्टिलेज टिप ऑफ द नोज आउटर ईयर ठीक है जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रा लिम्स एंड हैंड्स अगर मैं बोन की बात करूं तो दिस इज द लिक्यूना ठीक है ये है लिक्यूना दिस इज द लिक्यूना okay? ये है लिक्यूना देखो लिक्यूना भी यहाँ पे थोड़ा अलग सा ही है कैसे यहाँ पे? केनाल्स बनी है, ना, बन चुके है और यहाँ पे एक ऑस्टियोसाइट है एंड दीज आर गोइंग टू सिक्रीट गोइंग टू सिक्रीट ऑइसिन एंड ये आपके बोन के अंदर ऐसे कंस्टेंट्रिक मैनर में लगे होते हैं लाइक दिस ऐसे ऐसे दिखाया हुआ ना एक डायग्राम बुक में इस तरीके से लगे होते हैं दिस इज दिवर्शन केनाल जहाँ से आपका ब्लड का सप्लाई जाता है ओके दिस इज अबाउट द एनिमल टिश्यू और मुझे जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा सो दैट आई कीप ऑन ब्रिंगिंग दिज सेशन और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में ज़रूर एनरोल करना है तुम्हें एंड ये आपका अप्रैल थर्टी तक होगा बस फ्री है गार्गी कोड लगा के इसमें ज़रूर एनरोल कर लो एंड माई बैच इज़ कमिंग आप शौर्य बैच और लक्ष्य बैच जो कि लक्ष्य बैच आपका शुरू हो चुका है वो है ट्वेंटी फाइव के स्टूडेंट्स के लिए शौर्य बैच शुरू होने वाला है थर्टी मे के मे से और इसमें आप जब मेरा कोड लगाएंगे गारगी आपको मिलेगा डिस्काउंट टेन परसेंट ऑफ मिलेगा मेरा गाइडेंस मेरा मेन्टरशिप भी मिलेगा ओके सो आई सी यून द नेक्स्ट वन एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर